मेरे प्यारे बॉस जी, मतलब के भाई जी, बोलिए, आपने बुलाया मिलने के लिए, बोलो क्या हो गया? ड्राइवर, तुमने मेरे बेटे को मार दिया चाबी के लिए। अगर तुम रॉबर्ट फिलिप्स के बेटे ना होते तो अब तक तुम्हें मैं जमीन में उतार देता। भारी मिस्टेक हो गया। सिर्फ रॉबर्ट फिलिप्स की वजह से, उनके एहसानों की वजह से, उनकी दोस्ती और प्यार की वजह से तुम जिंदा हो ड्राइवर, और उनके उस वादे की वजह से तुम जिंदा हो और जिंदा रहोगे, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा। जब तक होस्ट हो रही है ड्राइवर, तेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तू अपने पापा को कोई आम इंसान सोचता होगा, विलन सोचता होगा। जिस दिन तुझे तेरे पापा की सच्चाई पता लगेगी ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बोरबोरिया जिसको मानेगा ना, वो तेरे पापा ही होंगे। ड्राइवर, उनका नाम खराब मत करना कभी। कुछ भी हो जाए, कभी भी ऐसा कुछ मत करना कि रॉबर्ट फिलिप्स का नाम खराब, क्योंकि दुनिया बहुत झूठी है। वो तेरे को कुछ भी बोलेगी, यकीन मत करना। और वो इतनी मतलबी है कि तेरे पापा की चीजें लेना चाहेगी। तेरे पापा ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई ड्राइवर, बट उनको बाद में एहसास हुआ कि दुनिया इंसानियत के लिए खराब है चीजें, और अगर इंसानों के ऊपर इन चीजों को यूज किया किसी ने अपने मतलब के लिए, तो पूरी अर्थ ही खत्म हो जाएगी ड्राइवर। इसलिए उन चीजों को छुपा दिया गया है। मेरी तुझसे यही एक रिक्वेस्ट है ड्राइवर, जो चीजों को तेरे पापा ने छुपा दी उनको छुपी रहने दे प्लीज, उनको ढूंढ मत ड्राइवर। क्योंकि अगर वो चीजें दुनिया के बाहर आएगी तो ये माफिया उसको खत्म कर देगी, क्योंकि दुनिया की माफिया ये चाहती है कि उनके कंट्रोल में सब आ जाए, फिर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे ड्राइवर। सोच थोड़ी आपके बेटे के लॉस की वजह से, मैं उसको सच्ची में मारने वाला नहीं था, बट थोड़ी सिचुएशन ऐसी हुई, उसने खुद सुसाइड किया। बंदा बोल रहा है ड्राइवर कोई बात नहीं, मेरा बेटा शहीद हो गया, उसने अपने मिशन के लिए जान दी है, जो उसको मैंने सिखाया था उसने सारा काम वही किया। मेरे को नाज अपने बेटे पर।